Oh my God, pre-owned market में Lamborghini? हाँ जी भैया यार गाड़ी इतके आते कितनी है? ये पॉप आउट होता है तो इसका ये पार्ट जो है आपको प्रेस करना है okay. फिर ये पुल करना है Very इसको ओपन nice. करेंगे तो मैं धमाल में था भैया वो लाल बटन दिख रहा है क्या वो नहीं दबाना था कितने लीटर का होगा ये 110 लीटर की स्पेस मिलती है हमको इसमें okay. ताकि okay. ये स्पीड ब्रेकर में गाड़ी कोलाइड ना करे स्पीड okay. ब्रेकर में जब आप ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत कम है उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड क्लीयरेंस रेज करने का हमें बटन मिलता है जो सेंसर्स हैं 360 में रहते हैं कैसे हैं हाँ जी हाँ जी हमें 360 डिग्री पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इस गाड़ी okay. में और रियर व्यू पार्किंग कैमरा भी मिलता है ये गाड़ी चली है ओनली 2600 किलोमीटर हमारी लैम्बोर्गिनी के लोगो की लाइटिंग अंडर बोथ द डोर्स तो इतने में तो गाड़ी का फॉर्च्यूनर भी आया था मैंने फोर्ड लेक्स में बहुत अच्छे 21 मॉडल एकदम ठीक सर एकदम ठीक हाँ जी भैया यार गाड़ी इतने आते कितने की है ये नई गाड़ी होगी कहीं 4.5 करोड़ की भैया आज कितने की मिलेगी क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है कैसी गाड़ी रहेगी आपके लिए भैया वीडियो पूरा देखना मजेदार भैया बहुत कम देखने को मिलती है अगर मैं YouTube पे प्री ओन्ड की मार्केट की बात करूँ नहीं देखने को मिलती एकदम ठीक बात है आपका बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं ब्लास्ट स्ट्रीट में जी. हमारे पास आज तक सिर्फ 2 बार लैम्बोर्गिनी हुराकन आई है okay. और हमने कहा जैसे ही आई हमने कहा सबसे पहले सर को बुलाना पड़ेगा ताकि सर हमारे लिए ये गाड़ी कवर करें जी. और सर के व्यूअर्स हमारी ये गाड़ी देखें बिल्कुल तो ये है हमारी 2017 मॉडल लैम्बोर्गिनी हुराकन LP 580/2 ओके और ये गाड़ी चली है ओनली 2600 किलोमीटर फर्स्ट ओनर गाड़ी है 2600 पिछले 5 साल में सिर्फ 2600 चली गई है हमने तो भैया कभी सड़कों पे देखी नहीं है तो भैया चलेगी भी कैसे गाड़ियाँ एकदम ठीक सर एकदम ठीक और गाड़ी आप जैसा देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है गाड़ी की कंडीशन में कोई एक छोटी सी भी कमी नहीं है गाड़ी को VIP नंबर मिलता है 7000 आपको मैं इसके एक्सटीरियर को दिखाता हूँ फिर आपको इसकी पावर के बारे में बताता हूँ इंटीरियर के बारे में बताता हूँ तो आप जैसे आप स्टार्टिंग में आगे देख रहे हैं तो आप आगे देख ही सकते हैं कि इसमें हमको थोड़ा एक हमको डुअल टोन सा नीचे हमें शेड मिलता है okay. नीचे वाले एंड पे हमको ग्लॉस ब्लैक मिलता है इस पूरे कलर शेड का नाम है रोसो मार्स रेड जो सेंसर्स हैं 360 में रहते हैं कैसे हैं हाँ जी हाँ जी हमें 360 डिग्री पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इस गाड़ी okay. में और रियर व्यू पार्किंग कैमरा भी मिलता And है मैं अलॉय व्हील्स की बात करता हूं व्हील्स की व्हील्स में हमको मिलते हैं परफॉर्मेंस ब्रेक कैलिपर मिलता है हमें वेंटिलेटेड ब्रेक्स मिलती हैं उसके साथ हमें 20 इंच का इतना ज्यादा स्टाइलिश ग्लॉस ब्लैक अलॉयस का पूरा सेट मिलता है बिल्कुल उसके आगे हम बढ़े तो आप एक बार डोर खोल के देखेंगे तो फिर आपको इसके नीचे अब ये अभी खोलना कैसे है मुझे ये बताओ ये पॉप आउट होता है तो इसका ये पार्ट जो है आपको प्रेस करना है okay. फिर ये पुल करना है Very इसको आप ओपन nice. करेंगे तो हम नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको देखने को मिलती है हमारी लैम्बोर्गिनी के लोगो की लाइटिंग अंडर बोथ द डोर्स तो एक बार मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ कि गाड़ी कितनी छोटी है और भैया आदमी कैसे इसके अंदर फिट होता है ऑफकोर्स ऐसा लग रहा है मैं किसी बोट में बैठा हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कार्स है ये वर्ल्ड की तो इसलिए इसका लो होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कम्प्लीटली हमें ब्लैक लेदर मिलता है हमको एल्कंटारा मिलता है सीट्स पे और डैशबोर्ड पे बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड कार है बहुत ही ज़्यादा पावर पैक कार है एक बार इसे डिस्क्राइब कीजिए ये इतने सारे बटन्स हैं ये क्या कुछ है जो गाड़ी को बताता है रुको मैं तैयार हूँ इसमें हमें बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं और ये जो बीप बीप की आवाज़ आ रही है एक्चुअली डोर की वजह से आ रही है कोई okay. बात नहीं ये जितने कंट्रोल्स हैं इसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं हमारे पावर विंडोज़ के हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमारे फ्रंट एंड का सस्पेंशन रेज करने का क्योंकि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है तो करके दिखाएंगे हाँ जी कितना रेज होगा कुछ इंचेस कुछ समझ लीजिए थोड़ा बहुत दिखेगा भी दो इंच जितना होगा ताकि ये स्पीड ब्रेकर में गाड़ी कोलाइड ना करे स्पीड ब्रेकर में जब आप ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत कम है उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड क्लीयरेंस रेज करने का हमें बटन मिलता है उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन कंट्रोल मिलती है हमारी नॉर्मल पार्किंग ब्रेक मिलती है हमको हमारे पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं ऑटो स्टार्ट सब फंक्शन मिलता है और फिर से कंट्रोल मिलता है हमारे पावर विंडोज का ये हमारी एसी की सेटिंग है ये वो लाल बटन है क्या जो उसमें धमाल में था भैया वो लाल बटन दिख रहा है क्या वो नहीं दबाना था एकदम वैसे ही है क्योंकि
इस बटन से ये रॉकेट लॉन्च हो जाता है, इस बटन से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कूल तरीका है ये स्टार्ट बटन को सेट करने का। यहाँ पर हमें ये मिलता है इसका स्टार्ट बटन, हमको मिलती है एसी की कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, दोनों की फ्रंट सीट्स हमारी हीटेड है तो अगर ठंडी हो रही है, फिनिशिंग दी हुई है जो काफी अच्छा मिलकर गाड़ी को वैसी प्रीमियम बना जी जी जी। ये हमारा जो टॉप पे है ये इटालियन लेदर है, रेड स्टिचिंग के साथ मिलता है, और ये साइड पे अल्कांटारा लेदर है। तो जो भी इस गाड़ी के प्रीवियस ओनर रहे होंगे उन्होंने इस गाड़ी में एक एक चीज की ऊपर कौन सा लेदर लगेगा, यहाँ पे स्टिचिंग कौन से कलर की लगेगी, सब कुछ कस्टमाइज्ड होता है। एंड उन्होंने सब कुछ ये चूज किया होगा अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि जी मेरे को यहाँ पे लाल स्टिचिंग चाहिए। तो इस लॉट में कितने पैसा एक्सपेंस आ सकता है? अगर देखिए कोई भी ये गाड़ी लेता है, कोई भी एकदम बेसिक व्हीकल नहीं उठाता, कोई भी ये गाड़ी लेता है तो कम से कम नहीं तो 30 से 50 लाख की एडिशनल लोडिंग्स उस पे ऐड ऑन हो ही जाती है। 50 लाख रुपए सिर्फ लोडिंग्स होती है, यानी कि एसएससीज लगती है, यानी कि मॉडिफिकेशन होता है सिर्फ 30 40 लाख रुपए में। बाकी हमें यहाँ पे अपने स्टीयरिंग व्हील पे मिलते हैं कंट्रोल्स, थोड़े बहुत यहाँ के लिए इंडिकेटर के कंट्रोल आपको स्टीयरिंग व्हील पे ही मिलते हैं। तो ये बटन किस लिए दिया हुआ है? ये इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स के लिए, और इसकी भी पोजिशनिंग बहुत ही अच्छी जगह कर रखी है लैम्बोर्गिनी ने। इसमें तीन ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, स्ट्राडा, स्पोर्ट और कोर्सा, जिसमें से ये ऑफकोर्स इटालियन वर्ड्स को यूज किया गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्टाइलिश लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम मिलता है, इतने बड़े पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं हमको इसमें, और कंप्लीटली डिजिटल हमको हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। कंसोल पर मुझे स्टार्ट करके दिखाइए। तो आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर अपना रेव मीटर मिल जाता है, हमको अपना सारा इंफोटेनमेंट का सारा कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हमारा वो वाला डोर ओपन है, हमारा स्पीडोमीटर हमारा यहाँ पे हमको मिल जाता है। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं कि गाड़ी चली है सिर्फ 2600 किलोमीटर्स। इस डायल की भी चेंज करने के काफ़ी सारे अदर अदर मेथड्स होते हैं, आप इसके काफ़ी सारे अलग लेआउट्स रख सकते हैं, और हमको बीच में भी एक स्क्रीन मिलती है जो है बेसिकली हमारे इंजन ऑयल टेम्परेचर के लिए और हमारी बैटरी रीडिंग के लिए। बिल्कुल, तो भैया इतना अच्छा डिस्क्राइब भैया आपने कर दिया। हाँ जी, तो मजा आ गया। एक बार दोबारा से साइड प्रोफाइल देखते हैं और एक बार आपको मैं एग्जॉस्ट की आवाज सुनाता हूँ। तो इस लाल परी की बार आवाज सुन लेते हैं, पर कैसी है? भैया आप यहाँ पे खड़े होकर इसकी आवाज नहीं सुन पाओगे, इस बात की गारंटी आप कान में डाल दोगे उंगली और कहोगे सारथी भाई ऐसी ऐसी आवाज सुनने की हमें हैबिट नहीं है। तो इस लैम्बो का एक बार हम बूट स्पेस चेक करते हैं भैया है कैसा। ये आपको मिलने वाला छोटा सा बूट स्पेस कितने लीटर का होगा? ये 110 लीटर्स की स्पेस मिलती है हमको इसमें। ओके, आप देख सकते हैं कि सारे टूल किट्स एंड मेड किट्स हमको यहाँ पे मिलते हैं, 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है, आप यहाँ पे इजीली दो छोटे छोटे बैग्स आप सेट कर सकते हैं। बट अभी एट द मोमेंट क्योंकि गाड़ी का जो कवर है वो इस पे फिट है, इसलिए अभी के लिए जगह नहीं है। तो आप ट्रैवल करना है तो आप इंटरस्टेट वैसे दो लोगों के लिए सामान कैरी करके ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अब इसकी हम डिटेल्स की बात करते हैं, तो मॉडल क्या है? दबा रहे हैं, एक बार ऊपर से दबा दो, रुको, हाँ बस ठीक, दबाओ, हाँ बस ठीक। Okay, अगर मैं इसकी डिटेल्स की बात करता हूँ, 2017 मॉडल, ये गाड़ी हमारी 16 मैन्युफैक्चर्ड है, 17 रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर कार है, 7000 नंबर है, वीआईपी नंबर है इसका जी। और ये गाड़ी चली है जैसा मैंने वीडियो में दिखाया 2600 किलोमीटर चली है खाली। कितने की आ रही है अभी है? ये न्यू आ रही है एट द मोमेंट। अब ये वाला जो हुराकन है ये बंद हो चुकी है, हुराकन ईवो आती है, हुराकन की और भी परफॉर्मेंसें आती है, उनके और भी ईवो आते हैं। एसयूवी सेगमेंट में भी है लैम्बोर्गिनी में? हाँ जी, हाँ जी, हमने अभी रिसेंटली एक्वायर करी है, एक लैम्बोर्गिनी उरस एक्वायर करी है हमने, एंड दैट इज अ 2021 मॉडल कार, 8000 चली है, दैट इज अ वर्डे मैंटिस पोल कलर विच इज बेसिकली द ग्रीन कलर ऑफ दैट कार, जो एक ब्राइट ग्रीन होता है ना आपने देखा होगा लैम्बोस पे, वो वाली है हमारे पास। अभी अगर होती तो आपकी वीडियो में जरूर इंक्लूड करवाते, लेकिन अभी बस वो ट्रांजिट में है इससे वो थोड़ी मिस आउट हो गई। तो ये वाला वेरिएंट कितने का था? इसकी आप नहीं ले लो, इसके सारे एडिशनल एडऑन्स के साथ कुछ 4.5 करोड़ से हल्का सा ऊपर। 17 मॉडल हमें कितने की मिल जाएगी हमारे व्यूअर्स को? ये हमारी गाड़ी यहाँ पर ऑन सेल ऑफर है फॉर 2.95 करोड़ नेगोशिएबल। 2.95 करोड़ रुपए में भैया आपको ये गाड़ी मिल सकती है, कार स्ट्रीट नारायणा में आ जाओ, कॉल कर करो और भैया इस गाड़ी को कर सकते हो बुक। और भैया ये तो सिर्फ दिखाने के लिए आप सोच रहे होंगे भैया ये कौन खरीदेगा, मेरे भाई ये सिर्फ दिखाने के लिए भी इन्फॉर्मेशन वीडियो भी है और भैया सेल्स के लिए भी है। और कौन कौन सी गाड़ी हमारे पास कार स्ट्रीट नारायणा में है? हमारे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास देखिए आप सारी है, हमारे पास सारे सेगमेंट्स की है, स्टार्टर सेगमेंट से लेके मिड सेगमेंट, फ्लैगशिप सेगमेंट्स, स्पोर्ट्स कार, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। आपको बॉक्सटर जरूर दिखाता हूँ। तो भैया यहाँ पे बॉक्सटर भी खड़ी है, 2017 मॉडल है, और भैया अगर इसकी प्राइस की बात करता हूँ 97 लाख में
हमने आपको ये पहले भी दिखाई थी, लेकिन इसका एक इंडिविजुअल वीडियो भी आपके लिए मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ, जो न्यू लैम्बोर्गिनी आ रही है एसयूवी में उसका भी और बॉक्सर का भी। और भैया आपको यहाँ पे बीटल भी मिलने वाले, तो यानी कि भैया कोई भी स्पोर्ट्स कार हो, कोई भी लग्जरी कार हो, तो भैया आ जाइए कास्ट नारायणा में। वीडियो को शेयर करना ताकि भैया हमें भी स्पॉट मिले और आपको भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलता रहे बार बार। मिलता हूँ और भी अच्छी वीडियो के साथ, और भी अच्छे कंटेंट के साथ, और भी अच्छी डीलरशिप के साथ, और भी अच्छी प्राइजेस के साथ। वीडियो को शेयर लाइक फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय।